तो दोस्तों अभी हम लोग, मैं और राघव कहीं जा रहे थे तो मेरे मन में एक सवाल आया। हालांकि ये सवाल मुझे, मेरा जो दूसरा चैनल है केही सर की क्लासेस 2, उसमें मैंने वीडियो बना रखा है, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर इस प्रश्न के जवाब क्या होंगे। तो इस प्रश्न का बहुत ही सिंपल सा हल आप कर सकते हैं। पहले तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ऊपर स्क्रीन में आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, उसको ध्यान से सुनना है। लेकिन इसी प्रश्न को हम इस प्रकार कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे राघव और मैं, माना जाए हम दोनों गाड़ी चलाते हैं, तो भाई राघव तो छोटा है, तो उनका गाड़ी चलाने की जो दक्षता है, गाड़ी चलाने की जो क्षमता है, वो क्या होगा, थोड़ा से कम होगा, और मैं अच्छा से गाड़ी चलाऊंगा, अर्थात वो कम स्पीड में चलाएगा तो मैं ज्यादा स्पीड में चलाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि अगर राघव जो है गाड़ी चला रहा है और मैं भी गाड़ी चला रहा हूं, तो राघव किसी सफर को, है ना, राघव किसी सफर को मतलब किसी निश्चित दूरी को तय करता है 12 घंटे में। ध्यान दीजिएगा, अगर राघव किसी निश्चित दूरी को 12 घंटे में तय करता है और मैं जो है राघव से 60% अधिक दक्ष हूं, मतलब 60% अधिक अच्छे से गाड़ी चलाता हूं, तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि मैं उसी पथ को, उसी दूरी को कितने घंटे में तय कर लूंगा। राघव जो है उस दूरी को तय करता है 12 घंटे में और मैं जो है राघव से 60% अधिक दक्ष हूं या फिर अधिक स्पीड से गाड़ी चला लेता हूं, तो मैं उसी दूरी को कितने घंटे में तय कर लूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर आप बहुत आसानी से दे भी सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है इसके उत्तर हम कुछ इस प्रकार निकालते हैं कि उसकी दक्षता कितनी है। तो चलो, राघव की दक्षता और मेरी दक्षता दोनों को हम तुलना करेंगे। ठीक है, तो राघव की दक्षता को हम मान लेते हैं, जैसे हम इसको हल भी करते हैं ना, तो पूरा हल करके बताते हैं, सिंपल में बोल बोल के हल कर रहा हूं। अगर क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि दक्षता का जो फार्मूला होता है, उस दक्षता के फार्मूला के सूत्र से हम बहुत आसानी से गणित को बना सकते हैं, या फिर कार्य का जो सूत्र होता है ना, तो कार्य का सूत्र लगाएं या फिर आप दक्षता का सूत्र लगाएं, दोनों ही तरीके से आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, यदि मैं ये कहूं कि राघव जो है, राघव की जो दक्षता है 100 है, तो मेरी दक्षता कितना हो जाएगा, क्योंकि मेरी दक्षता उनसे 60% अधिक है, तो मेरी दक्षता 160 हो जाएगा। अब इनका हम सिंपल सा अनुपात निकाल लेंगे, तो राघव और मेरा दक्षता का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे दोनों को 20 से, कितना हो जाएगा, इधर 5 आएगा राघव का और मेरा कितना आएगा, 8 आएगा। तो अनुपात कितना हो गया, राघव और मेरी दक्षता का जो, मतलब हम में जो गाड़ी चलाने की जो दक्षता है, स्पीड वाला बात कर रहे हैं, तो 5:8 हो गया। अब क्या करेंगे, जिनकी दक्षता हमें पता है और जिनका कार्य हमें पता है ना, वो उस दूरी को कितने घंटे में पूरा कर लेता है, तो राघव का हमें दक्षता भी पता चल गया, 5 घंटे में वो निश्चित दूरी को तय करता है ना। अब वो दूरी हमें नहीं पता है, हमने बताया नहीं था, लेकिन हमने 12 घंटा बताया था। ठीक है, तो 12 घंटे में वो निश्चित दूरी तय करता है, अर्थात कोई कार्य करता है एक प्रकार से, तो भाई यहां पर हम दूरी निकाल लेंगे फिर। ठीक है, तो 12 घंटे में कोई निश्चित दूरी को तय करता है, उसी दूरी को मैं कितने घंटे में तय कर लूंगा, तो हम यहां पर उसका कार्य निकाल लेते हैं। यहां पर यह कहा जाए कि कार्य कहा जाए, वो जो चला रहा है, दूरी है, उसको हम कार्य के रूप में निकाल रहे हैं। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, है ना, कार्य बराबर आप निकालेंगे दक्षता गुणित समय। ठीक है, दक्षता गुणित समय कर देंगे। अब इनका जो कार्य निकल जाएगा, राघव ने कितना दूरी तय किया है, तो कैसे निकलेगा, हम दक्षता गुणित क्या निकालेंगे, समय, तो राघव की दक्षता कितनी है, 5 है, समय कितना है, 12 है, तो दोनों को गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12×5=60। इतना तो समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रश्न को मेरे लिए लागू करेंगे, मतलब मेरे लिए लागू करना है, क्योंकि दोनों का कार्य तो वही है, उतना ही दूरी उनको भी तय करना है, मतलब मुझे भी उतना ही दूरी तय करना है। अब यहां पर हमने दक्षता के आधार पर, दक्षता और समय के आधार पर कार्य निकाला है, और दोनों का कार्य तो बिल्कुल सेम है भाई, जितना दूरी उसने तय किया उतना ही दूरी मुझे भी तय करना है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या निकालेंगे, कार्य जो है उसके आधार पर हम समय निकालेंगे, है ना, समय क्यों, क्योंकि उसी दूरी को मैं कितने घंटे में तय कर लूंगा ये मुझे पता करना है ना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे दक्षता। अब जिसका निकाल रहे हैं, जिसके लिए समय निकाल रहे हैं, मेरे लिए समय निकाल रहे हैं, तो मेरे लिए कार्य तो वही है, कार्य कितना है 60/ दक्षता कितना है मेरी, मेरी दक्षता अनुपात निकाले थे उसमें 8 है, तो 60/8 करेंगे,
आठ सत्तर छप्पन हो जाएगा, ऊपर में चार बचा और नीचे में आठ, और चार बटे आठ का मतलब कितना होता है, एक बटे दो, अर्थात सात सही एक बटे दो, मतलब ये भी कहा जाए साढ़े सात, अगर घंटे में है तो साढ़े सात घंटे कहेंगे। अगर ये दिन होता, किसी कार्य को कोई कितने दिन में कर लेता है ना, एक कार्य को राघव 12 दिन में करता है तो उसी कार्य को मैं कितने दिन में कर लेता, जबकि मेरी दक्षता जो है राघव से 60% अधिक है। तो सेम प्रश्न है, बनाने का तरीका वही होता है, आपको क्या करना है थोड़ा से समझना होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उनको। बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे इस प्रकार के प्रश्नों को, बहुत आसानी से बना भी लेंगे। तो आपने देखा कि हमने कैसे बहुत ही आसानी से बोल बोल के हल कर दिया है ना। हालांकि ये वीडियो थोड़ा हटके लगा होगा, लेकिन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।